है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज जा रही हूँ अपने मायके दिल्ली। तो मेरा बैग भी हो गया था पैक और निकल चुके थे हम लोग घर से। एक्चुअली क्या था ना कि हम लोगों ने दिल्ली तक के लिए ट्रेन बुक करवा रखी थी, बट वो बारिश के चलते कैंसिल हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा ऐसा करते हैं ISBT जाके बस से चलेंगे। तो जब हम लोग ISBT पहुँचे तो वहाँ पता चलता है हमें कि दिल्ली के लिए कोई भी बस नहीं है, और मेरठ के लिए बस थी, बाकी जगह के लिए बस थी, बट दिल्ली के लिए कोई बस नहीं थी। तो हमने सोचा ऐसा करते हैं कि मेरठ वाली बस में बैठते हैं और वहाँ से मेरठ से कोई भी वॉल्वो वगैरह या ओला वगैरह बुक करवा देंगे। और कांवड़ के चलते मतलब हर जगह इतना ट्रैफिक था, इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि रूट भी डाइवर्ट कर रखे थे। तो जहाँ हमें 6 बजे पहुँचना था मेरठ, वहाँ हम पहुँचते हैं 9:30 बजे, और हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो वहाँ पे जीजू की पोस्टिंग है मेरठ में, तो उन्होंने हमें वहाँ आर्मी कैंट में बुलाया। और ये है मेरठ का कोई चौक, मुझे आइडिया तो है नहीं यहाँ का। और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बनाई हुई थी बहुत बड़ी। तो क्या कहते हैं कि जाना भी ज़रूरी था मुझे दिल्ली। एक्चुअली हम लोगों में क्या होता है, गढ़वालियों में मलमास पड़ते हैं जिसमें हस्बैंड का चेहरा नहीं देखते, जिसके चलते मतलब बहुत ज़रूरी था। तो नेक्स्ट डे सुबह क्या करते हैं, हम लोग ओला करते हैं दिल्ली के लिए, ओला से निकलते हैं। और मतलब इतना परेशान हो गए थे हम लोग कल भी और आज भी, और बारिश भी लगी हुई थी ऊपर से, और ऊपर से मतलब कांवड़ के चलते रास्ते इतने ब्लॉक हो रखे थे, मतलब हर जगह ट्रैफिक। और जैसे तैसे करके हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं, और हालत आप देख सकते हैं, मतलब हालत ऐसी हो गई थी कि ये देखिए हालत कैसी हो गई थी हमारी। तो अब हम लोग पहुंच चुके थे दिल्ली, और दिल्ली में हमें जाना था दिल्ली कैंट दीदी के यहाँ पे। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे दीदी के घर, और यहाँ से भी मुझे नेक्स्ट डे अपने घर निकलना था। तो एक दिन हम लोग यहाँ पे दीदी के घर में रहते हैं, और उसके बाद हम लोग थोड़ा आराम करके इवनिंग में दीदी के ही घर के पास में ही बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे हम अनय को लेके जाते हैं, और अनय वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करता है बुआ के साथ। तब तक 5 मिनट बाद ही लगातार मतलब वहाँ पर ना बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। तो देख सकते हैं अनय को हमने नीचे छोड़ा, वो इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा था उसको, उसको गोदी से ज़्यादा अच्छा नीचे लगता है, उसको गोदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको नीचे रहना बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे रेस्ट किया, ऐसे ही घूमे फिरे। उसके बाद मतलब बहुत तेज़ बारिश हो गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे बारिश में। और इसके बाद हम लोग बारिश का रुकने का वेट करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं घर। तो नेक्स्ट इवनिंग में निकलती हूँ मैं अपने घर के लिए फाइनली, और मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।